नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। पूर्व मंत्री मुकेश नायक की मौजूदगी में बस स्टैंड पवई में किया गया पन्ना कलेक्टर का पुतला दहन। अमानगंज में विकास यात्रा के दौरान भाजपा का प्रचार करते हुए हुआ वीडियो वायरल। बीते दिवस पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा का अमानगंज नगर परिषद में विकास यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा इस वीडियो की घोर निंदा की जा रही है और पन्ना कलेक्टर को हटाए जाने की मांग की जा रही है। इसी बात को लेकर शुक्रवार की सुबह मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक पंडित मुकेश नायक समेत सैनी जिला प्रभारी कांग्रेस पन्ना की मौजूदगी में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता बस स्टैंड में एकत्रित हुए और पन्ना कलेक्टर के वायरल वीडियो का जमकर विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी करते हुए कलेक्टर संजय कुमार मिश्र का पुतला दहन किया गया। पन्ना कलेक्टर के वायरल वीडियो का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पन्ना, राम सिंह पवई। जिले के कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करने लगे। उन्होंने ये कहा कि 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी को आप लोग जिताओ और एक मीटिंग में वहां उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अपील की। ये कोर्ट ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, भारतीय प्रशासन सेवा के नियम संचालन और प्रक्रिया का उल्लंघन है। पहले भी मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने इन कलेक्टर के ऊपर ये गंभीर टिप्पणी की थी कि ये कलेक्टर बनने लायक नहीं है। ये दूसरा प्रकरण है। लगातार जिस तरह से पन्ना जिले में जिला पंचायत के चुनाव में, जनपद पंचायत के चुनाव में इन्होंने फार्म रिजेक्ट करने का काम किया, जो जीत गए थे उनको हरा दिया, जो हार गए थे उनको जिता दिया। ऐसे उदाहरण है कि एक एक दिन में इन्होंने दो दो बार रिजल्ट बदले जिला पंचायत के सदस्यों के और जनपद पंचायत के सदस्यों के। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों को एक भी मिनट कलेक्टर रहने का अधिकार नहीं है। ये प्रशासनिक सेवा का कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, कोई ये किसी प्रकार का अधिकार नहीं है कि वो किसी भी पार्टी के पक्ष में किसी प्रकार का संवाद करें। जनता के बीच में केवल विकास कार्यों की बात करना उसके अधिकारों का में आता है। ये जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये बातें कही, ये पूर्णता न्याय संगत नहीं थी और उन नियमों के आधार पर उनको ये सेवाओं करने का अवसर मिला है, उसका खुला उल्लंघन था। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ गंभीर टिप्पणी की है। मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार का जब भ्रष्टाचारी में कि इतिहास लिखा जाएगा तो पहले पन्ने पे पन्ना के कलेक्टर संजय मिश्रा का नाम आएगा, क्योंकि इसने जिस तरह से काम किया भारतीय जनता पार्टी का, एक मैं तो ऐसा शब्द बोलना चाहता हूं, मैं उसको रोक देता हूं, ये कार्यकर्ता कह देता हूं, उससे भी ज्यादा केवल ये चंदा एकत्रित करने वाले व्यक्ति है। चंदा एकत्रित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे किसी भी इनके कार्य को, कृत्य को हम गंभीर श्रेणी में लेते हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के सख्त निर्देश हैं, उन अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा जो अधिकारी पक्षपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हमारे पूरे प्रदेश की जनता, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़क पे उतरेगा और विरोध प्रदर्शन करेगा। आज इसमें हमारी मांग है प्रमुख रूप से कि जिला कलेक्टर है जो उसको 24 घंटे के अंदर हटाया जाए, नहीं तो हम इस आंदोलन को और उग्र रूप देने को तैयार बैठे हैं।